हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट नंबर 2 ऑफ एंजाइम इंजीनियरिंग मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ बीटेक बायोटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे कि एंजाइम आखिर काम कैसे करता है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे मिलते हैं। सो व्हेन एंजाइम कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट देन इट विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर दैट अ स्टेज केम विच इज़ नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट। After that, the enzyme's product complex will be formed and it will further converted into the enzyme and the product. सो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट एक नया चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज वी जनरली सीन दैट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन इट फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट। सो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है अनस्टेबल स्टेट में होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट पर। सो दैट वाई दिस स्टेज इज कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट वेयर अ लॉट ऑफ रिएक्शन अकर इनसाइड द सबस्ट्रेट। सो दिस इज़ द फिनोमेना इन विच द सबस्ट्रेट इज फाइनली कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी हाउ द एंजाइम परफॉर्म दियर फंक्शन। सो एवरी कंपाउंड हैज़ इट्स ओन केमिकल एनर्जी। एज यू ऑल नो, सभी कंपाउंड के पास उनकी खुद की केमिकल एनर्जी होती है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में जानते हैं कि उनके पास हर एक मॉलिक्यूल्स के पास उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी प्रकार से सभी कंपाउंड जो होते हैं उनकी ओन केमिकल एनर्जी होती है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैज़ दियर ओन एनर्जी एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर देन इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट के पास भी इनकी खुद की एनर्जी होती है एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, मतलब जब ये एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, मतलब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, देन ये कोलाइड एक दूसरे के साथ करते हैं एंड ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोलाइड करने के बाद, जिसको हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर डेल जी जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एनर्जी भी कह सकते हैं। टू कंप्लीट एनी रिएक्शन दैट इज़ टू कन्वर्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट डेल जी इज़ रिक्वायर्ड। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि अगर हमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो डेल जी हमें रिक्वायर्ड होता है हमेशा ही। Now we will see a graph to see the phenomena. So del G है ये Gibbs free energy और ये हमारा progress of reaction। Let's suppose ये हमारा substrate है। Substrate जो है हमें ये energy barrier, अगर इतनी energy provide हो गई तो molecules जो enzyme substrate complex बना था इस transition state, अगर इतना energy barrier को वो cross कर गया, then it will convert it into the product। ये जो है हमारा ट्रांजिशन पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइंड पोर्शन है, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट, यहाँ पर जितनी एनर्जी अगर हमें मिली तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मॉलिक्यूल्स विल रिमेन हियर एंड दे इमीडिएटली ट्राइज टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। Now we will see the points about the graph. ग्राफ के बारे में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, एट अ टॉप द ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल इज एट अनस्टेबल स्टेट फॉर वेरी लेस टाइम एंड हियर अ लॉट ऑफ रिएक्शन अकर इन साइड द सबस्ट्रेट। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है हमारा ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन पॉइंट है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल स्टेट पर होते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ की बहुत ज़्यादा हाई है। एज वी सी ये डेल जी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल स्टेट में होते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं। एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट के अंदर होते हैं। ये जो है फैक्ट्स है, हाई एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल स्टेट में होगा एंड लो एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल जो है स्टेबल स्टेट में होगा। Now what is a transition state? So minimum energy required to proceed the reaction. जो minimum energy required होती है to proceed the reaction is known as the transition state, is known as a transition state.
फिर उसके बाद है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या होती है? एनर्जी बैरियर इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। एनर्जी बैरियर वो एनर्जी का अमाउंट है जिसका यूज़ करके जो है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट इज़ नोन एज द एनर्जी बैरियर। नाउ एंजाइम फंक्शन। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? विथ एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेज एंड इट डिक्रीजेज द रिएक्शन टाइम एंड फॉर्म द प्रोडक्ट इमीडिएटली। जो एंजाइम का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड एंड ये जो है डिक्रीज करता है रिएक्शन टाइम को और प्रोडक्ट को जो है बहुत जल्दी बना देता है। फिर ये प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन। टू प्रोसीड द रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स शुड बी ग्रेटर दैन द रिएक्टेंट्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एनर्जी। सो रिएक्शन की प्रोसीडिंग कैसे होती है? अगर हमें रिएक्शन को प्रोसीड कराना है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर फिजिबल रिएक्शन, एंड एक होती है इनफिजिबल रिएक्शन या फिर उसको हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। सो अगर एनर्जी जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की रिएक्टेंट एनर्जी से ज़्यादा है देन रिएक्शन जो है हमारा प्रोसीड होगा और रिएक्शन जो है फिजिबल होगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर फिजिबल रिएक्शन कह रहे हैं। अगर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी अगर रिएक्टेंट एनर्जी से कम है देन रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होगा और इसको हम लोग इनफिजिबल रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि एनर्जी ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर दैन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट देन द रिएक्शन वुड बी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड व्हेन द एनर्जी ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज लेस दैन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी देन द रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज द बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ वी विल सी अ क्वेश्चन दैट इज़ इसमें दिया हुआ है हमें तीन ग्राफ बताना है, इसमें किस में नॉर्मल, किस में बैकवर्ड एंड किस में फॉरवर्ड रिएक्शंस हो रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, बट इसमें और इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा कौन सा रिएक्शन किस में हो रहा है। सो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट है या फिर इसको हम लोग रिएक्टेंट कह सकते हैं। सो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी तो सिर्फ इतनी है और सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ है। इट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी जो है जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है वो सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, तो ये जो है हमारा बैकवर्ड रिएक्शन और इनफिजिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी या फिर जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और रिएक्शन जो है फिजिबल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉम्पोनेंट ऑफ द एंजाइम। सो एंजाइम के कॉम्पोनेंट कितने होते हैं? सो एंजाइम के बेसिकली दो कॉम्पोनेंट होते हैं, अपो एंजाइम एंड को फैक्टर। अपो एंजाइम और को फैक्टर मिलके जो है होलो एंजाइम बनाते हैं। अपो एंजाइम जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है और को फैक्टर जो होता है ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। को फैक्टर फर्दर क्लासिफाइड इंटू मेटल एंड को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम को हम लोग कंजुगेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं। सो मेटल आयन जो होता है ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर होता है और जो को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप है कम्बाइंडली इनको हम लोग जो है ऑर्गेनिक को फैक्टर कहते हैं। फिर इसके बाद है एंजाइम। एंजाइम दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल एंजाइम एंड कंजुगेटेड एंजाइम। सॉरी यहाँ पे कोई एंजाइम ही होगा, ये कंजुगेटेड एंजाइम होगा। इट हैज़ ओनली द प्रोटीन पार्ट, नो को फैक्टर। सिंपल एंजाइम जो होता है इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, यहाँ पर कोई भी को फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल में हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दे आर द सिंपल एंजाइम विच डू नॉट रिक्वायर एनी को फैक्टर। ये जो है सिंपल एंजाइम है, इन्हें किसी भी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो को कंजुगेटेड एंजाइम है इनको जो है को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। को फैक्टर के बिना इनकी जो कैटालिटिक एफिशियंसी होती है उसको नहीं देखा जा सकता है। और कोई एंजाइम जो होता है बिना को फैक्टर के अपनी कैटालिटिक पावर को जो है लूज कर देता है। को फैक्टर प्लेज मेजर रोल इन द को एंजाइम। जो को फैक्टर होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है को एंजाइम में। विदाउट को फैक्टर को एंजाइम इज नथिंग। को फैक्टर के बिना को एंजाइम जो है कुछ भी नहीं है।
Now we will see the cofactor classified into three part, that is metal and coenzyme prosthetic group. So इसमें हमारा मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन ये सब होते हैं. फिर कोएंजाइम जो होता है लूजली बाउंडेड होता है एंड टेम्प्रोरली बाउंड होता है. इसमें NAD, FMN, FAD आते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है टाइटली बाउंडेड होता है एंड परमानेंटली बाउंडेड होता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप जब किसी भी कंपाउंड के साथ एक बार बाइंड कर जाता है देन उससे हमेशा ही बाइंड रहता है. इसमें एग्जाम्पल है हीम ग्रुप और ऑक्सीडेज कैटालेज. विदाउट कोएंजाइम, अगर कोएंजाइम नहीं है, इफ़ वी डोंट टेक द विटामिन्स कोफैक्टर इज इनकम्प्लीट एंड अपोएंजाइम रिमेन सिंगली. अगर हम लोग विटामिन्स नहीं ले रहे हैं मतलब कोफैक्टर जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि कोफैक्टर जो है मेटल एंड कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बना है. अगर कोएंजाइम एब्सेंट है इट मीन्स कोफैक्टर इज इनकम्प्लीट. अगर कोफैक्टर इनकम्प्लीट है इसका मतलब अपोएंजाइम जो है सिंगली रिमेन होगा और इस जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा और होलो एंजाइम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. नाउ वी आर गोइंग टू अगेन सी द होलो एंजाइम्स एंड दियर मैकेनिज्म इन डिटेल. सो कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जो अनदर केमिकल ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी और केमिकल ग्रुप से अटैच हो थ्रू आइदर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोई अदर इंटरेक्शन. सो एक ऐसा प्रोटीन जिससे कोई अदर केमिकल ग्रुप जुड़ा हो कोवेलेंट बॉन्ड से या फिर किसी दूसरे इंटरेक्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं. होलो एंजाइम क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम होता है. एंजाइम ऑफ द कंजुगेटेड प्रोटीन नोन एज, जो कंजुगेटेड प्रोटीन की जो एंजाइम होती है उनको होलो एंजाइम कहते हैं. होलो एंजाइम्स आर एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. सो होलो एंजाइम जो होते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पार्ट्स, दैट इज अपो एंजाइम एंड कोफैक्टर. फिर इसके बाद है हमारा अपो एंजाइम एंड कोफैक्टर. अपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और इसके पास कोई भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. बट कोफैक्टर जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है. ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इसेंशियल रोल प्ले करता है कैटालिसिस में. रिमूवल और लॉस ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी फॉर्म द होलो एंजाइम, दैट इज रिमूवल ऑफ दिस लीड्स टू नो एंजाइम. फिर इसके बाद हमारा कोफैक्टर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर और द मेटल आयन. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक होता है एंड कोएंजाइम इज़ आल्सो ऑर्गेनिक, बट एक्टिवेटर और द मेटल आयन इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर. सो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये जो होता है टाइटली एंड परमानेंटली बाइंडेड होता है अपोएंजाइम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ग्रुप विच आर रिमेन टाइटली एंड परमानेंटली बाइंडेड विद द अपोएंजाइम थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड. इसका एग्जाम्पल है परऑक्सीडेज एंजाइम. परऑक्सीडेज कैटालेज एक ऐसी एंजाइम होती है विच प्रोवाइड्स द हीलिंग टू द इंजर्ड सेल. और परऑक्सीडेज जो होता है इसकी वजह से जो अगर हम लोग पोटैटो को कट करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें ब्राउनिश कलर आ जाता है. दिस इज़ ड्यू टू दिस एंजाइम. सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ वी विल सी द कोएंजाइम. कोएंजाइम जो होता है ऑर्गेनिक होता है. ये टेम्प्रोरली या फिर लूजली बाइंडेड होता है अपो एंजाइम से थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो था वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अपो एंजाइम से बाइंड था, बट कोएंजाइम जो है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लूजली बाइंड होगा अपो एंजाइम से. इट बाइंड्स विद द अपो एंजाइम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट और द टाइम ऑफ कैटालिसिस. जो कोएंजाइम होता है ये अपो एंजाइम से ट्रांजिशन स्टेट या फिर टाइम ऑफ कैटालिसिस के टाइम पर जो है बाइंड करता है. इसमें एग्जाम्पल है NAD, NADP कंटेन विटामिन नियासिन B3 कॉम्प्लेक्स. जो NAD और NADP है इसमें विटामिन नियासिन होती है जो कि B3 कॉम्प्लेक्स होती है. एंड FAD एंड FMN कंटेन्स द विटामिन राइबोफ्लेविन. जो FAD एंड FMN है इनमें जो है विटामिन राइबोफ्लेविन B2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है. नाउ थर्ड वन इज़ एक्टिवेटर आर द मेटल आयन. इसमें इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक होता है. ये जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है अपो एंजाइम के साथ. ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन कोवेलेंट, ये जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है अपो एंजाइम के साथ. बॉन्ड फॉर्म्ड विथ द साइड चेन एंड द सबस्ट्रेट. जो बॉन्ड इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है वो साइड चेन और सबस्ट्रेट के बीच में बनता है. एग्जाम्पल में हमारा
Fe2 plus catalase and peroxidase present in both Zn2 plus in carboxypeptidase, Mg2 plus in ribosyl peptase in C4Ni present in the urease alcohol dehydrogenase etc. I hope everything will be clear to you up to this topic. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Take care. Please like and subscribe my YouTube channel. Please.